કેટલો મોટો લેક્ચર. નમસ્કાર, મેં પ્રોફેસર ગૌરંગ બાવસાર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ તબલા, ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ, ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા કી ઓર સે આપ સબકા મેં હાર્દિક સ્વાગત કરતા હું. આપ સબકો વિદિત હૈ કી પ્રોફેસર સુધીર કુમાર સક્સેના જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ કે અંતર્ગત હર સોમવાર કો ઓનલાઈન લેક્ચર્સ હોતે હૈ વિભિન્ન હમારે અલગ અલગ પ્રદેશો સે, અલગ અલગ શહેરો સે, ઓર અલગ અલગ વિષયો પર સંગીત એવમ રિસર્ચ, નૃત્ય, નાટ્ય આદિ વિષયો પર હમ યહાં લેક્ચર આયોજિત કરતે હૈ. મુજે બતાતે હુએ બહોત ખુશી હો રહી હૈ કિ અબ હમારા યહ જો સોપાન હૈ, હમારી જો સંકલ્પના હૈ, હમારી જો પ્રતિજ્ઞા હૈ, વો અબ સમાપન કી ઓર હમ આગે બઢ રહે હૈ. 5 જુલાઈ 2022 સે પ્રોફેસર સુધીર કુમાર સક્સેના જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ કા આગાઝ હુઆ થા. આજ યહ મહોત્સવ હમ 34વે લેક્ચર તક પહોંચ ગયે. હમારે 47 ટોટલ લેક્ચર હોને વાલે હૈ, ઉસમેં સે આજ કા જો લેક્ચર હૈ વો 34વા લેક્ચર હોગા. હમારે હમારે સાથ હમારી ગુરુમાં પ્રજ્ઞા સક્સેનાજી જુડી હુઈ હૈ, સાથ મેં કઈ સારે રિસર્ચર, હમારી ફેકલ્ટી કે વરિષ્ઠ પ્રાધ્યાપક, હમારે ડિપાર્ટમેન્ટ કે વરિષ્ઠ પ્રાધ્યાપક પ્રોફેસર અજય અષ્ટપુત્રેજી, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ વોકલ કે અધ્યક્ષ ડોક્ટર રાજેશ કેલકરજી, એવમ બનારસ સે ભી કઈ સારે રિસર્ચર યહાં જુડે હુએ હૈ. મેં ઉન સબકા હાર્દિક સ્વાગત કરતા હું. આજ હમારે બીચ જો વ્યાખ્યાન હોને વાલા હૈ, વો વ્યાખ્યાન કા માધ્યમ આજ ડોક્ટર અનામિકા કુમારી હમારે સાથ ઉપસ્થિત હૈ. અનામિકા જી એક અચ્છી રિસર્ચર હૈ, કઈ સારા ઉનકા યોગદાન હૈ તબલા કે વિષય મેં, જો આજ ઉનકા હમ લેક્ચર જબ સુનેંગે તબ આપકો મહેસૂસ હોગા કે તબલા મેં, તબલા વાદ્ય ઓર વાદ્ય વાદન કી પરંપરા મેં ક્યા હમ ઇસ તરહ કા તાબી રિસર્ચ કર સકતે હૈ કે નહીં કર સકતે હૈ. તો ઇસ તરહ કા ઇનકા બડા અચ્છા રિસર્ચ કા એક યોગદાન હમારી તબલા વાદ્ય એવમ પરકશન વિદ્યા શાખા મેં રહા હૈ. મેં ડોક્ટર અનામિકા જી કા હાર્દિક સ્વાગત કરતા હું, ઓર મેં હમારે સંકાય કે હમારે ઇસ લેક્ચર સિરીઝ કે કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર કેદાર મુકાદમ જી કો વિનંતી કરતા હું કે વો અનામિકા જી કા સંક્ષિપ્ત પરિચય દે, તત્પશ્ચાત ઉનકા હમ સંભાષણ સુનેંગે. ડોક્ટર કેદાર મુકાદમ. નમસ્કાર મેડમ. નમસ્તે. થેન્ક યુ ગૌરાંગ સર. एक्चुअली मैडम मैं आपसे मिला हूँ 2012 में जब मैं बनारस आया था. जी मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से. तब हम मिले थे जी. एक्चुअली इनका बायोडाटा तो मैडम का बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में इनका बायोडाटा देने की प्रयास कर रहा हूँ. अभी आप महाराणा प्रताप महाविद्यालय कैमूर में संगीत विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर कार्यरत है. आपने 20 से ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हुए हैं. आपकी दो बुक पब्लिश हुई है, एक है अवनद वाद्यों में ध्वनि विकास और दूसरा है लोक संगीत में वाद्यों की परंपरा एवं प्रयोग. ये एक्चुअली बुक दोनों हमारे लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है एवं पूरे यानी संगीत जगत में ये दो बुक बहुत प्रचलित है. एक्चुअली आपने 45 से भी ज़्यादा पेपर नेशनल एवं इंटरनेशनल सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन किए हुए हैं. आपको तबला मेकिंग के फील्ड में 2 साल की पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप प्राप्त हुई है. एक्चुअली इसी विषय पर एक्चुअली हमारा आज लेक्चर है. एवं फोक म्यूजिक के फील्ड में जूनियर फेलोशिप प्राप्त हुई है. आपने कई स्टेट नेशनल लेवल पर अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ है. आपने बहुत सारे नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया हुआ है और कई जगह पर उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट भी किए हुए हैं. आज उनका जो टॉपिक है वो एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो तबला वाद्य की जो मेकिंग है यानी जो इसकी बनावट है उसमें सबसे महत्व का जो पार्ट है वो स्याही. तो उस लेपन विधि पे उनका एक्चुअली लेक्चर है. लेक्चर का टाइटल है तबला वाद्य के निर्माण में लेपन की परंपरा एवं विधि का वैज्ञानिक विश्लेषण. तो मैं मैडम अनामिका सिंह जी को
विनती करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। मैडम नमस्कार। सर्वप्रथम सभी गुणीजन एवं विद्वत जन को हमारा कोटि कोटि नमन है और गौरांग सर से तो हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। मैं चाहूंगी कि वो इसी तरह का आयोजन हमेशा करते रहें और इसी तरह संगीत जगत के सारे शोधार्थियों विद्यार्थियों को लाभान्वित होते रहें हर एक टॉपिक से हर एक वर्कशॉप से। तो ये बहुत अच्छा कार्य सर ने की है और उनके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े विद्वान इतने बड़े तबला वादक प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जी की जन्म शताब्दी पे मुझे ये तबला के विषय में संदर्भित अपने विचारों को व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान की है। इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारा जो विषय है वो तबलावाद में तबलावाद के निर्माण में स्याही की जो परंपरा रही है लेपन की स्याही बोले या लेपन बोले लेपन की परंपरा और उसकी विधि का वैज्ञानिक विश्लेषण। मुझे लगता है कि जितने भी शोधार्थी हैं जो तबला लेते हैं और तबला खरीदते हैं वो लेपन तो देखते ही है कि स्याही ही उसमें यूज की जाती है लेकिन उसमें क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स क्या केमिकल क्या रहते हैं उसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण रहता है तब जाके वो स्याही निर्मित होती है। यदि हम प्राचीन काल से देखते हैं कि ये लेपन की परंपरा कब से शुरू हुई तो शास्त्रगत यदि हम देखें तो मुझे भरत का नाट्य शास्त्र जो है जो दो प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं अपने अवनतवादी के लिए एक भरत के नाट्य शास्त्र है दूसरा शारंगदेव का संगीत रत्नाकर। तो भरत के नाट्य शास्त्र में हम देखते हैं कि जब पुष्कर वादे आए तो उसके आंकिक उद्धर्वक और आलिंग ये तीनों पर जो लेपन की परंपरा हुई वो सर्वप्रथम मिट्टी से की गई जैसा उन्होंने बताई है और वो मिट्टी भी जो सारे पुस्तकों में अवेलेबल है कि ये कंकर रहित हो काली हो और नदी के किनारे की श्यामा मिट्टी हो इसकी लेप की व्यवस्था की गई इन तीनों ही वाद्यों पे आंकिक उधर्वक और आलिंग। इसके बाद उन्होंने गाय के घी में तिल के चूर्ण को भी मिलाकर उसके लेपन की भी व्यवस्था की उस लेप की भी चर्चा की है कि उस लेप को लगा करके और इच्छित स्वर में वाद्यों का हम तबला का वादन हम कर सकते हैं। तो पुष्कर वाद्य जब आगे उसकी कहते हैं ना कि आविष्कार ही आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है तो आगे जब हम बढ़ते हैं शारंगदेव में तो शारंगदेव का कहना है कि काली जो लकड़ी जो जल जाती है उस कोयले की लकड़ी और राख उसकी राख और उसे एक चावल में लगा करके और उसका मिश्रण हम करते थे। मैं इसकी पूरी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन अब क्या समस्याएं क्या आई ये एक तरह स्वर स्थापना हो गई और उसे वादन भी किया जाने लगा लेकिन समस्याएं क्या आती थी कि मिट्टी जो है सूख जाती थी सूखने से मिट्टी में क्या है दरार आ जाती थी। तो जैसे दरार आती है ध्वनि का संबंध लेपन से तो दरार आती थी तो ध्वनि में भी परिवर्तन होता था तो वो एक समस्या बनी रही। जैसे अभी मृदंग में जो आटा लगाया जाते तो पहले भी आटे की भी प्रचलन रही तो आटा में भी क्या होता था कि वो सूख जाता था सूखने के बाद फिर उसे दूसरा आटा लगाया जाए तो ये सारी समस्याएं बनी रही हमेशा। लेकिन इसका निराकरण कब संभव हुआ जब हमारे बीच स्याही आई लौह चूर्ण की स्याही। अब लौह चूर्ण में भी हम देखते हैं कि लौह चूर्ण में उसे बनाया कैसे जाता है। हम तो जितने भी तबला मेकर के पास गई हूं वहां पे हमें ये बताया गया कि ये लोहे का बुरादा है जहां से कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री में जो लोहे की कोई सामान बनती है उसके जो कण निकलते हैं वही कण को हम लोग तबले में यूज करते हैं। लेकिन मुझे बनारस में मैं एक जगह धमरिया गई
वहां पे मुझे इसके बहुत ही विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त हुई कि वो लोग स्याही कैसे बनाते हैं। स्याही लगाना वो तो एक अलग मेथड है, लेकिन स्याही बनाया कैसे जाता है इसके विषय में मुझे बहुत ही जानकारी मिली। इसके बाद मैं भावनगर आई, भावनगर में भी गुजरात में सर के माध्यम से ही मैं वहां गई थी और इसी अपने रिसर्च के काम से। तो वहां पर बताया गया कि वहां ये लोग क्या है, जंगल जाते हैं और जंगल से पत्थरों को चुन के लाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पत्थर को चुन करके लाते हैं और पत्थर को ये लोग पहले धोते हैं, धोने के बाद फिर इसे बारीक रूप से पीसा जाता है और घर में जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं जो हैं उसे थाल में रख करके उस स्याही को अलग करती है, मोटे कण अलग हो जाते हैं और पतले कण अलग हो जाते हैं और उसका फिर ये लोग हम लोग यूज कर रहे हैं, तबला मेकर्स जो है यूज करते हैं उसे। तो यहाँ पर हमें दो तरह की स्याही आई, एक तो लौहचूर्ण की स्याही और एक ये लोग पत्थर से यूज करते हैं स्याही, भावनगर की स्याही। और सबसे पहले सीवी रमन जी का कहना है, जो कि सबसे पहले वैज्ञानिक रहे और इसने उन्होंने बहुत ही अच्छा इस पर रिसर्च किया है इस संदर्भ में, उतना मुझे डिटेल तो नहीं मिल पाया लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिला है उसे मैं शेयर करना चाहूंगी। उनका कहना है कि ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि जो स्याही हम लगाते हैं या लेपन की जो भी क्रिया करते हैं वो शोर को कम करता है और खाल से जो है सुरीली ध्वनि उत्पन्न करता है, ये उनका स्टेटमेंट रहा है। तो हम मिट्टी से चलते चलते काली तिल पर आए, काली तिल से चलते हुए राख पर आए और राख से चलते हुए हम आज लौ पर आकर के यहाँ हम स्थापित हो गए। यहाँ हमें लगा कि अब हमें अच्छी ध्वनि मिल रही है। अब एक समस्या उसमें ये भी थी कि जैसे पखावज पखावज के शरीर एक है तो दोनों तरफ स्याही नहीं लगा, ये भी क्वेश्चन है कि हम दोनों तरफ स्याही का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। तो स्याही का प्रयोग करेंगे तो स्वर सामंजस्य जो है बिगड़ जाता है, इसलिए एक तरफ आटे लगाई जाती है और आटा को कम ज्यादा करके स्वर की स्थापना की जाती है। अब हम थोड़ा सा ये भी आप ये डिस्कस करेंगे कि स्याही कैसे आगे बढ़ता गया, तो यहाँ तक आकर के हम रुक गए लौहचूर्ण तक। अब लौहचूर्ण का निर्माण कैसे होता है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वीडियो के माध्यम से, इसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगी। वाराणसी का धमरिया जगह है जो लोहता में स्थित है। फिर बारीक पीसा जाता है तो
ये देखिएगा, ये इसमें डाला गया है, उसके बाद ये लोग मिलाते हैं और इसमें फिर पोटासियम सल्फेट डालेंगे। अच्छा, उस पोटासियम सल्फेट को इसमें डाल के उसके बाद मिला करके तब इसमें एकदम ऊपर आ जाएगा गंदगी पानी के ऊपर। अब ये लॉन्ग ये गंदगी को निकाला जा रहा है। अच्छा, इसको पूरा आप फेंटते हैं। रामिका जी, वीडियो का वॉल्यूम बंद करके आप बताइए, साथ में बताते जाइए कि क्या हो रहा है। और जो पट्टी है वो अगर नीचे हो सकती है, जो पट्टी है वो नीचे हो सकती है तो क्लियर दिखाई दे। अच्छा, ये बड़ा कर दे। ये देखिए, ये फिर ये ले जा करके और इसे धूप में पूरा सुखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा ये सारे आयरन पाउडर है। फिर ये सूखने के बाद इसे चाल के इस तरह से ये लोग पैकेट में भर के इसे सेल करते हैं और इसे ही तबले मेकर्स जो हैं सारे खरीदते हैं और तबले पर यूज करते हैं। इसी तरह ये लौह अयस्क है, लोहे का बुरादा, जिसे इस तरह से बनाया गया है। अब मैं भावनगर की बात करती हूँ और भावनगर में लोग कैसे बनाते हैं और वहां किस चीज का प्रयोग किया जाता है वो मैं दिखाऊंगी अभी। ये कौशिक जी हैं और ये करीब 50 सालों से ये वर्क कर रहे हैं वहां भावनगर में। और ये जंगलों में जाकर उस वो जंगल सिर्फ भावनगर में ही उपलब्ध है जहां से ये लोग वो पत्थर को चून करके लाते हैं और एक बल्क में लाते हैं, मतलब एक मन या दो मन इस तरह से एक बल्क में लाते हैं। और उसे फिर इन्हीं लोगों का अंदाज रहता है कि उसमें से कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब है। इनका कहना है कि कम से कम 3 भाग पत्थर जो बेकार चले जाते हैं और 1 भाग वो स्याही के प्रयोग में लाया जाता है।
में अगर आप जाएं तो वहां के खेत को देखें तो उससे क्या निकाल सकते हैं? हाँ, देखते हैं, अगर हो सकते हैं तो देखेंगे। अभी तो आपको जाना नहीं पड़ता होगा, यहाँ से ही मेरे काम होगा। एक बार में कितनी पत्थर आप निकाल लेते हैं? तकरीबन एक तो टन में दो टन है, तीन टन है। इतनी अधिक? मैडम क्या होता है, पूरे पूरा माल नहीं निकलता। हम 50 किलो काम करते हैं ना, 25 किलो काम निकलता है, 20 किलो काम नहीं रहता है, पूरा काम नहीं आता। तो प्रोसेस में थोड़ा बहुत निकल जाता। तो लाते कैसे हैं? अभी वहाँ से ढूंढने के बाद एक बैग होती है कंटेनर की, उसमें पैकिंग वगैरह सब करके फिर एक छोटा सा ट्रक वगैरह सब बंधा देते हैं, उस पे डाल के यहाँ पे लाते हैं। अब इसकी जो मेथड्स हैं ये बता रहे हैं। ये गांव की महिलाएं ये इस तरह से महिलाएं जो हैं, और ये पतला भाग है आयरन पाउडर का जो ये लोग निकाल रही हैं। आप कितना दिन से कर रही हैं? ये अभी हमारे पुराने अच्छा ओ। तो इस तरह से स्याही का निर्माण इस तरह से किया जाता है, इस तरह से पत्थर और लौह चूर्ण को बनाया जाता है। अब मैं लगाने की विधि पर थोड़ा सा चर्चा करूंगी। अब जहां तक लगाने की विधि है तो लगाने में भी बहुत चीजों का प्रयोग किया जाता है। तबले में, तबले की स्याही लगाने के लिए, जैसे मैं बनारस की बात करूं तो यहाँ लोग चपाती का प्रयोग करते हैं, या मुंबई की मैं बात करती हूँ तो मुंबई में लोग वहां पर लई का प्रयोग करते हैं। कलकत्ता में बात करूं तो वहां ये लोग चावल की बात करते हैं, चावल को स्याही में मिला करके तब उसे तबले पर यूज किया जाता है। तो हर जगह की अपनी अपनी है, लेकिन सभी की एक ही चीज है कि वो जो है स्याही जो है इतनी लसेदार होनी चाहिए कि वो तबले के ऊपर जो है अच्छे तरह से वो चिपक सके। तो इसके लिए मैं बहुत जगह गई और वहां पर इस संदर्भ में मैं बात की हूँ कि कहाँ की सबसे अच्छी स्याही होती है। तो बनारस में ये लोग भावनगर की स्याही को अच्छे बताते हैं, पूना में भावनगर की स्याही अच्छी बताई जाती है, मुंबई में भावनगर की स्याही अच्छी बताई जाती है, कलकत्ता वाले लोग अपनी स्याही को अच्छे बताते हैं। तो लगाने की क्या टेक्निक है? लगाने में सबसे पहले जो बेस होता है, बेस में एक लाख जी हैं, यहाँ बनारस में 1 लाख तबला मेकर हैं जिन्होंने स्याही की माप बताई है कि कितना स्याही का पोर्शन होना चाहिए, कितनी चाट का पोर्शन होना चाहिए और कितने लौ का पोर्शन होना चाहिए। तो पहले मेजरमेंट किया जाता है कि मेजरमेंट करने के बाद उसके बाद फिर स्याही का बेस रखा जाता है। तो स्याही का बेस ऐसा रखा जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि स्याही से जो है दाना बोलने लग जाता है, तो वो दाना नहीं बोले, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, फेविकॉल का यूज करते हैं। अब आगरा में एक सरेस आता है, सरेस को गला करके उसका प्रयोग किया जाता है, आगरा वाले लोग उसका प्रयोग करते हैं।
तो हर जगह की अपनी अपनी लगाने की टेक्निक होती है, तो इस लगाने की विधि को भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वीडियो के माध्यम से, कि कैसे तबले की स्याही को कैसे तबले के ऊपर लगाया जाता है। तो इसे देखिएगा, ये रियाज है तबला मेकर, बनारस के सबसे अच्छा तबला बनाते हैं, और इन्होंने सूजी को रात भर भिगो करके और उसकी जो पानी होती है उस पानी में स्याही को मिलाकर उसके बाद ये उसके ऊपर लेप की लेपन करते हैं। इसमें क्या आप लोग क्या यूज करते हैं? इसमें इसको यूज ज्यादा करके हम इसको सूजी जो है सूजी, हाँ सूजी तो हम लोग मैदा बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें ब्रेड पाउडर मिला के मिक्स करके तो इसको छाना बनाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद सूखने के बाद तो इसको ये स्याही बनाते हैं। सूजी को क्या खोल देते हैं पानी में? जैसे रात में हम लोग पानी में डालते हैं। अच्छा, सुबह उसका उसका वो पानी उसका घर से पानी से तो चिकन हो रहा है। अच्छा, उसी पानी में स्याही को खोल देते हैं। अच्छा, और उसको फिर मतलब लगाते हैं, लगाने का क्या अंदाज है आप लोगों का? जैसे इसमें कितनी लगती है? लगभग 50 ग्राम दोनों में, बड़े छोटे थोड़े। अच्छा, बड़े में थोड़ा ज्यादा लगता है। और ये नई दिल्ली, नई दिल्ली में गुल्लू तबला मेकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका कहना है कि ये जो है स्याही जो लगाते हैं तो इसमें एक नीला तोता होता है, जो कि जैसे छेद तबले में हो जाते हैं, तो वो छेद ना हो उसके लिए ये लोग लई में उसको मिला करके तब उसका ऊपर में इस लोग प्रयोग करते हैं। और ये भी भावनगर से ही स्याही लाते हैं, इनसे मेरी बात हुई थी और इनका कहना है भावनगर से स्याही ला करके ये लोग यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। पत्थर की नहीं होती, वो सही नहीं होती, ये आयरन की लोहे की नहीं, एक पत्थर की आती है जिसमें कि पसीने नहीं लगते हैं। नहीं, आयरन में ही पसीना नहीं लगेगा, पत्थर में, पत्थर की तो स्याही नहीं होती। बनारस में तो लोग बना रहे हैं, तो एक पर्टिकली गिनती नहीं होती, एक अनुमानतः कितनी हो सकती है? कम से कम 50 बोली या 100 बोली लग जाती हर तबले में। नहीं, अलग अलग शुल्क है, आप कोई पहले काले का मंत्र सब तक का मांगेगा तो बहुत ही फटाफट स्टाइल हो जाएगा। तो सबका अलग अलग स्टाइल है, तो उसमें लगभग कितनी लग जाएगी? उसमें तो पूरे दिन लगता है, एक दिन लगता है कम से कम 6 लगा। ओ, मन नीचे से बुलाने में। जी हाँ। अच्छा, और इसलिए ये जो स्याही आप लाते हैं तो कैसे, ये किलो के हिसाब से लाते हैं? जी हाँ, किलो के हिसाब से अपने यहाँ फाइन करते हैं। फाइन करते हैं। अच्छा, छान छान करके फिर इसका यूज करते हैं ना, तो उसमें लोहा होता है, आप काट देते हैं। अच्छा, तो ये आप कहाँ से लेते हैं, किससे मंगवाते हैं? ये लोग बनाने वाले हैं सब अलग अलग। इनका कहना है कि ये लोग स्याही खुद अपना बनाते हैं और अपना बना करके ये लोग लाते हैं, लेकिन तबला मेकर से पूछना भी बहुत मुश्किल है, ये लोग बहुत जल्दी कुछ बताते नहीं है।
ये वाटिकर जी हैं मुंबई के, इनका भी, इनसे भी मेरी बात हुई थी, तो इनका भी कहना है कि ये जो स्याही लगाते हैं तो ये सिर्फ लई से, इनका कहना है कि अगर हम इसमें चपाती या चावल इसमें हम लगाएंगे तो स्याही जो है उसके छिद्र जो है बोलने लग जाएंगे, तबला जो है अंदर से झनक देता है वो आवाज करता है, तो इनका ये कहना है कि हम लोग लई से उसके बेस को मजबूत करते हैं, उसके बाद फिर स्याही का ये करते हैं। अब पूर्ण पूरी स्याही ये भरत कांदे जी हैं, इनका भी जो ये भी कहें कि भावनगर की स्याही सबसे उपयुक्त होती है, सबसे अच्छी होती है, और ये लोग भावनगर से ही स्याही मंगवाते हैं। इन्होंने बनारस, मुझे लग रहा है कि सारे लोग अपने अपने स्याही को ज्यादा अच्छा कहें, लेकिन इसकी स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि भावनगर की स्याही सबसे ज्यादा अच्छी होती है। इसे मैं अंत में बताऊंगी कि क्यों होती है अच्छी। ये तबले की, ये कैलकटा की है, ये लोग बनारस की और कैलकटा की दोनों ही स्याही को यूज करते हैं। इनका क्या कहना है कि बनारस की स्याही जो है थोड़ी सी मोटी होती है, खुरदरा होती है, और यहाँ की स्याही कैलकटा की थोड़ी पतली होती है, और दोनों को मिलाकर के ये स्याही को यूज करते हैं, और यहाँ पर चावल का यूज कर रहे हैं ये। पहले लगा रहे हैं, शुरुआत ही उसी से करते हैं, पूरा लगा कर करके। और उसको घसने का क्या तरीका है, जैसे ये घसाई अभी हो रही है, मतलब किस अंदाज से क्या, कितना घसना चाहिए, कितनी? ये तो अपना अंदाज है। ये पूरा तबला की विधि है, ये जो कर रहे हैं इसे आप लोग देखेंगे कि तबला कैसे बनाया जा रहा है। पहले लई का मात्रा जो है वो ज्यादा रखते हैं शुरू में तबले के ऊपर। ये पूरी मेथड प्रक्रिया है। अभी मेजरमेंट भी मैं दिखाऊंगी कि नापी कैसे जाती है और किस स्केल में कितने लॉ चार्ट होते हैं। सबसे नीचे जो बेस ये लोग लगाते हैं उसमें लई की मात्रा ज्यादा रखते हैं, इसलिए कि वो आसानी से चिपका रहे। और एक चीज और, ये स्याही लगाने में घिसाई का भी एक अपना अलग अंदाज और महत्व है। ये देखिए, सर आवाज आ रही है? जी, आप जो कह रही है वो आ रही है, आप समझाते जाइए वीडियो के साथ। हाँ जी, अब इसे ये लोग थोड़े देर छोड़ देंगे सूखने के लिए। इस तरह से
अब जिस सुर का तबला बनाना है एक एक परत चढ़ाएंगे, उसके बाद घिसाई करेंगे, फिर सुर के अंदाज को देखेंगे कि वो सुर कैसा आ रहा है। घिसाई भी ये लोग बहुत चीजों से करते हैं। अभी हैदराबाद में एक घिसाई की मशीन है जो सिर्फ वही एकमात्र, पूरे इंडिया में एकमात्र वही मशीन है जो घिसाई का मशीन से काम किया जाता है। वो भी मैं अभी आप लोगों के पास शेयर करूंगी। और यदि अधिक सुर है तो ये लोग हटाते भी हैं स्याही अपने उपकरण के माध्यम से। इस तरह से ये तबले और बाएं। अब मैं थोड़ी सी माप के विषय में बताऊंगी कि कितना मेजरमेंट होना चाहिए। सेंटर में ही लगता है? नहीं, सेंटर में ये रहता है। चार अंगुल, तीन अंगुल, तीन अंगुल। हम मान लीजिए बाया में बीच में लगा दीजिए तब क्या होगा? नहीं आवाज होगा। काहे आवाज होगा? किनारे में क्यों लगाया जाता है? उसका भी तो कुछ रीजन होगा। जैसे अब मैं थोड़ा नाप के विषय में भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और उसको लगाने का क्या प्रोसेस है? स्याही को लगाने को एक मिनट। ये वाराणसी में 1 लाख जो इसके विषय में देखे तबला। अच्छा, दो दो सूट बस। ये जो है, एक सूट इधर जाएंगे, एक सूट इधर जाएंगे तो आपका होगा करीब 2 सूट हो गया। इसको ध्यान से देखना। ये है आधा, 1, 2, 3, 4 सूट होता है। हाँ, आधा इंच तक जा सकते हैं। अच्छा, मतलब आप एक साइड नहीं, दोनों तरफ बांट के जाओ। हाँ, बांट के भी जा सकते हैं चारों तरफ। मतलब आधा सूत ही उसको बड़ा कर सकते हैं, उसके उसके ऊपर नहीं। तो वो किस सूत का बन जाएगा? नीचे कितना भी बना नीचे आ जाएगा, कैसे 2 सूत नीचे, 2 सूत नीचे आ जाएगा। यही मेजरमेंट बड़े तबले के मुंह पे भी चलेगा? सब सब बड़े तबले को भी अगर ऊपर के सुर में करेंगे उतना, और नीचे के सुर में करेंगे। ये
अनवर हुसैन जी हैं, इन्होंने भी अपने विचारों को व्यक्त की है तबला के संदर्भ में, बनाने के संदर्भ में। स्याही का जो मेजरमेंट है उसे मैं एक चार्ट के माध्यम से भी आप लोगों के समक्ष दिखला रही हूँ कि 5 स्केल के तबले हैं, या 5.25 के हैं, या 5.5 के हैं, या 6.5 के हैं, 6 के हैं, 7 हैं, तो उसमें चार्ट और लॉ और स्याही का कितना भाग रहेगा। इस तरह से दिखलाया गया है, 5 का है तो आधा भाग आधा लॉ का रहेगा, आधा चार्ट का रहेगा। लेकिन यही चीज बड़े तबले में अगर 6 है तो इसका 3 रहेगा और इसका 1.5। कभी बताया गया है कि लॉ का भी लॉ चार्ट, चार्ट की भाग थोड़ा ज्यादा रहती है और लॉ की भाग कम रहती है। अब ये घिसाई की एकमात्र मशीन है, ये आप लोगों को दिखा रही हूं। नमस्ते साजे भाई, और बहुत आपका मैं थोड़ा बताता हूँ। स्याही का पाउडर है, ये सीमेंट जैसा होता है, ये सीमेंट एक बार भीगने के बाद दोबारा काम नहीं आता, इसको 2-3 बार भिगा के हम काम ले सकते हैं, सूख जाता है। ये से पाउडर इसमें डाला जाता है, ये एक रबर में थोड़ा सा पानी डाला जाता है, ये लाई होती है, ये मैदे का आटा होता है, मैदे का आटा उसको पानी में मिला के थोड़ा सा पेस्ट जैसा बनाते हैं। ये देखिए लाई, इसमें डाल के इसमें इसका प्लाई मिक्स करते दीजिए, मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं। ये चाय का पाउडर सारे हिंदुस्तान में, सिर्फ भावनगर गुजरात में बनता है। इसे मिलाने के विषय में भी मतलब कुछ अनुभव है कि कितनी मतलब लसेदार होनी चाहिए? हाँ, वो अंदाजा होता है, इसकी कोई पैमाना है, कोई मेजर कोई मीटर नहीं होता है, इसमें कितनी चिकटाव चाहिए हम अंदाजे के मतलब, क्योंकि हम ये काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है 1-4 बार करने से कि हाँ इसमें कितना चिकटाव चाहिए लाई का। ज्यादा भी हो तब भी स्याही खराब होती है, और कम हो तब भी स्याही खराब होती है। सभी तबला मेकर्स अपने अपने अनुभव के आधार पर स्याही लगाने का टेक्निक यूज करते हैं। इसमें बहुत विशेष रूप से पेस्ट बनाया जाता है, इसके बाद कोई नहीं बची। ये मेरे वालिद की इजाद है, उन्होंने एक हार किया या अपने दिमाग से मशीन बनाया है। 19 मिले की दाल से 80 के पीरियड की मशीन है। अच्छा, 79-80 के पीरियड में बनी है मशीन, जब से हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस मशीन में क्या क्या मतलब फंक्शन है, इसके विषय में कुछ बताएंगे? क्या क्या इसमें लगे हुए हैं? इसमें तो एक साइड बाया और एक साइड दाहिना है, तबला है, इसको दाहिना भी होते तबला भी, एक तरफ तबला एक तरफ बाया है।
इसमें ऐसी सेटिंग भी है, सेटिंग निकाल दो। अगर आपके पास कभी कभी स्लिप और तबले होते तो ये है, ये इसकी सेटिंग, ये सेटिंग। और ये वही कर सकते हैं जिसे इसके विषय में नॉलेज है, और इन लोगों का खुद का ये बनाया हुआ मशीन है। दोनों तरफ आप तबले भी फिट कर सकते हैं, ये एक तरफ तबला, ये स्याही है, इतना बड़ा डायमीटर है तबलों का, बड़ा साइज का तबला रहे तो इसकी इतनी बड़ी स्याही होती है, छोटा तबला है तो ये छोटा है, इसका डायमीटर छोटा है। तो इसको ये जो पत्थर ऑसिलेटिंग कर रहा है इसमें अगर एडजस्टमेंट नहीं है उसके वजह ले आएगा, इसमें ऐसा एडजस्टमेंट दिया है वहां पे, बड़ा तबले की इतनी बड़ी स्याही होती है तो उसको दूर तक पत्थर जैसा उसकी चाल यहाँ तक का दिया है एडजस्टमेंट दूर। अच्छा, और छोटा तबला अगर उसको इतना दूर ऑसिलेट देंगे तो ये पत्थर इधर उतर जाएगा, हाँ, इधर उतर जाएगा, तो उसमें वो एडजस्टमेंट दिया छोटी स्याही के लिए भी, इस स्याही के। अच्छा अच्छा, और बड़ी स्याही को दूर तक जिसने कर वहां से, हाँ, वहां से एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, जैसे ये कम कर सकते हैं ये बहुत ही रेयर मशीन है और सिर्फ ये हैदराबाद में ही उपलब्ध है। मेरे वालिद 25 साल मेहनत के बाद तैयार हुआ है टीवी बंद कर दीजिए। जितना चाहिए उस हिसाब से उसको सेट कर लिया जाता है। ये सेटिंग बहुत रातों रात नींद, कई कई रातों की नींद हराम की है मेरे फादर की, तबले की बैठक पकड़ कैसे आए।
ये देखिए घिसाई कर कर फिर उस मशीन पे रखेंगे। ये मशीन चल रही है। ये बहुत ही यूनिक मशीन है और सिर्फ ये सिर्फ हैदराबाद में ही उपलब्ध है और सिर्फ इसे चलाने का चला वही सकते हैं जो जिसको इसके बारे में अनुभव है। एक बार में एक ही सबले हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं? दो आदमी बैठे तो दोनों हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक आदमी बैठना तो एक ही टाइम में दो ऑपरेट कर सकता है, दो आदमी बैठे तो चार कर सकते हैं। कंसंट्रेशन फिर बन जाती है कि टाइम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। घिसाई के लिए है और इसके बाद घिसाई करने के बाद उस साउंड जिस जो सुर रखना है तबले का उस सुर में तबले को बनाया जाता है, उसके बाद उसकी ट्यूनिंग की जाती है। अब हम ये आप लोगों को समक्ष दिखाना चाहेंगे कि स्याही जो है जो लॉचूंड का है तो इसमें कितने कंपोनेंट्स कितने केमिकल कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। स्याही सिर्फ स्याही चूर्ण नहीं रहती है, तो इसके लिए मैंने धातु के विभाग है मेटलॉजी की वहां पर इसके परीक्षण किए जाते हैं। तो सेम और इडेक्स इसका परीक्षण किया जाता है। सेम एक ऐसा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉनों के एक
केंद्रित बीम के साथ सतह को स्कैन करके एक नमूने की छवियों का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन नमूने में परमाणुओं के साथ बातचीत करते हैं, विभिन्न संकेतों का निर्माण करते हैं, जिसमें सतह की अस्थलाकृति और नमूने की संरचना के बारे में जानकारी होती है। इलेक्ट्रॉन बीम को रेखीय स्कैन पैटर्न में स्कैन किया जाता है और एक छवि का उत्पादन करने के लिए बीम की स्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें क्या है कि सिर्फ जो सूखा चीज है, जैसे ड्राई चीज है, लेकिन वो कंडक्ट होना चाहिए उस मशीन में। तो कंडक्टिंग के लिए जो है कार्बन टेप का यूज किया जाता है, कार्बन टेप रख करके फिर उसे कंडक्ट किया जाता है। ये थोड़ा सा देखिए कि कितना क्या परसेंटेज इसमें रहते हैं। ये अब मेरे बीच, हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ये बहुत दुख की स्थिति है। इनसे भी मैं थोड़ा इंटरव्यू ली थी। ये मशीन इधर रैंक की है, बाकी इसके कुछ कंपोनेंट्स और भी कंट्री के हैं, जैसे आपका एजेंसीज करने का डिटेक्टर जो है वो अमेरिका है। ये अशोक जी हैं, ये लंदन की जो है मशीन। कितने साल से सर आप यहाँ काम कर रहे हैं? वो लंदन के हैं। अब जितने भी सैंपल मैं ले गई हूँ, जो भी सैंपल हमारे, चाहे वो भावनगर के हो या मुंबई के हो या दिल्ली के हो, तो सारे सैंपल का सैंपल थोड़े थोड़े से इनको देने के बाद ये स्टब है, इस पर ये लोग कंडक्टिंग कार्बन टेप ये लगाए हुए हैं। ये एक बार में 7 चीजों का परीक्षण ये करते हैं। तो यहाँ पर ये कंडक्टिंग टेप लगाए हुए और इस पर स्याही के पाउडर को रखे जाएंगे, बहुत बहुत थोड़ा सा रखा जाता है, उसके बाद इसका ये परीक्षण करेंगे। तो देखिए, तभी इस माइक्रोस्कोप पर काम हो सकेगा। इस पर फिर स्याही ये लोग लगाएंगे। अब देखिए, इसी मशीन में फिट कर दिया गया है। अब ये जो दिखाया जा रहा है, ये बहुत छोटे से बहुत छोटे पार्टिकल सब हैं। ये देखिए, ये लॉयस्क हैं। ये इस तरह से इसकी परीक्षण की गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कितना ऑक्सीजन है, कितना सिलिका है, कितना मैग्नीज है, कितना आयरन है। तो ये सारे चीज ये मशीन जो है यहाँ पे निकाल देंगे इस तरह से। अब ये जो दिखा रहा है, ये सबसे ज्यादा ये Fe लोहे है, आयरन। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन टेप है, इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि कार्बन टेप ये लगा करके परीक्षण किए हैं। इसमें सिलिका है, मैग्नीज है,
अब ये देखिए इस चार्ट में आपको दिखाएगा, पहले तो मैं दिल्ली के आयरन पाउडर का इसमें की हूँ अध्ययन, दिल्ली है, मुंबई का सैंपल है, मुंबई के आयरन पाउडर है, वाराणसी के हैं, वाराणसी के स्टोन पाउडर यहाँ यूज किए जाते हैं, उसकी भी मैंने इसमें परीक्षण की हूँ। फिर लोहता जहाँ धमरिया, तो सबसे ज्यादा आयरन जो है इसमें ही दिखाए गए हैं, ये इसमें सबसे ज्यादा आयरन है। और सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका की मात्रा आप अगर देखेंगे तो दिल्ली में सिलिका की मात्रा 0.74 है, मुंबई में सिलिका की मात्रा 7.57 है और वाराणसी में सिलिका की मात्रा 0.61 है। सबसे ज्यादा अगर सिलिका की मात्रा है तो 25.4 ये भावनगर में है। भावनगर की मैं दो बार इसमें सैंपल डाली थी, दो हर एक पार्टिकल से, तो दोनों में रिजल्ट क्या आया है, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है 25.4 और दूसरे में आयरन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा जो है वो लोहता की है, लोहता में। तो भावनगर की स्याही को इसलिए अच्छा बताया गया है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है। अब सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो सिलिका का अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सिलिका एक मेटालिक, मतलब उसमें बहुत ज्यादा चिपकने का उसमें ज्यादा ये रहता है सिलिका में। अब यहाँ पे देखिए इसमें ज्यादा है, 25.4 है सिलिका और 23 है कैल्शियम है, फिर आयरन की मात्रा 1.6 है इसमें, ऑक्सीजन 37.7 है। तो भावनगर की स्याही को सबसे अधिक है, सभी जगह की अच्छी स्याही लेकिन सबसे उपयुक्त पाया गया है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा बताई गई है। अब इसमें देखते हैं सीवी रमन जी ने जो बताई है, सीवी रमन जी का कहना है कि स्याही के फलस्वरूप गूंज में, हम लोगों को ये तो जानकारी है कि स्याही ही अच्छी ध्वनि को उत्पन्न करता है, उसमें लगाने की जो भी विधि रही हो, सभी के अपने अपने अनुभव के आधार पे सारे तबला मेकर्स स्याही लगाते हैं, लेकिन सीवी रमन जी ने बताया कि जो जब लय के साथ स्याही को मिलाया जाता है तो उसमें सूखे चूर्ण का जो घनत्व होता है वो प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग 2.8 ग्राम होता है। उसके बाद पूरी जब बनती है तो सूखे चमड़े का हवा में जो घनत्व है लगभग वो 0.02 से 0.4 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। फिर स्याही लगे मध्य भाग का जो प्राय 9 से 15 ग्राम तक, ऐसे भी मैंने कई मेकअप से पूछी कि कितना लगाए जाते हैं, तो किसी ने बताया कि 50 से 60 ग्राम लगाए जाते हैं, तो किसी ने अपने अपने दृष्टिकोण से सभी ने बताया। तो इसमें बताया गया है कि जो प्राय 9 से 15 ग्राम तक का वजन का होता है, घनत्व चमड़े से 10 गुना अधिक होता है। फिर चमड़े की बनावट, लुगदी के गठन और स्याही या पूरी बांधने की प्रणाली के आंकड़े के आधार पर कहा गया कि धड़ से जो है मध्य का घनत्व जो है बढ़ता जाता है, अर्थात पूरी के मध्य में लगी स्याही कंपित चक्रादार झिल्ली के रूप में रहती है जो समायोजित किए जा सकने वाले तनाव के साथ वायुविद कास्ट के ढांचे में फिट बैठती है। इन्होंने बताया कि सिर्फ स्याही ही नहीं बल्कि सारी चीज जितने भी हैं उसमें, जैसे पूरी हो गए या स्याही हो गए, उसके बाद उसे लगाने का तरीका हो गया, उसमें जो मिलाए जाते हैं मैदे, इन सभी को मिला करके जब वो लगाए जाते हैं तो उससे जो उत्पन्न होती है साउंड, वो ध्वनि जो है सबसे अच्छी होती है, और सबसे अच्छी ध्वनि जो है इन्होंने भावनगर की बताई है। किसी को कुछ पूछना है सर?
प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है तो उसको आप बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ताकि जी प्रश्न तो मेरा ही है एक जी सर, ऐसा ही कि जो आपने बात बताई कि पसीना और यानी कभी कभी बजाते बजाते स्याही पसीना हो जाता है और फैल जाती है तबले पर जी, तो कौन सी ऐसी स्याही है कि जो तबले पर फैलती नहीं है यानी पसीना होने पर भी? सर मुझे जहां तक है कि मैं बनारस में ही देखी एक पत्थर की स्याही यहां लोग प्रयोग करते हैं, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन उससे पसीने नहीं निकलते हैं, अगर निकलते भी होंगे तो बहुत कम लेकिन उससे नहीं निकलते हैं। तो वो यानी वो भावनगर की स्याही है कि कहीं वो किस किस से बनती है? वो पत्थर की ही स्याही है और ये लोग भावनगर नहीं बताते, लेकिन मैंने जब स्टडी की तो मुझे लगा कि वो भावनगर की ही स्याही है। इन लोगों से पूछना भी बहुत टफ काम है, तो इन लोगों का कहना है कि ये हम लोग खुद अपने बनारस से ही मंगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बनारस में ही पत्थर की स्याही का प्रयोग किया जाता है। भावनगर की स्याही पुणे में और मुंबई में और उस पोर्शन में, मतलब जहां जहां है वहां पे भावनगर की स्याही है, बाकी दिल्ली वाले अपना यूज करते हैं, कलकत्ता वाले बनारस और कलकत्ता दोनों को मिक्स करके उसकी स्याही यूज करते हैं। मैडम चमड़ा यानी अपना जो तबले पे हम लगाते हैं चमड़ा और स्याही, तो उसमें चमड़े की वजह से स्याही कितनी लगानी है, या चमड़ा अगर पतला है तो स्याही ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, ऐसा कुछ होता है? चमड़े का तो एक तो एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है, वातावरण भी डिपेंड करता है चमड़े का, कि चमड़े की क्वालिटी क्या है, लेकिन उससे कोई ये नहीं फर्क पड़ता है कि हम कितना उसका स्याही की, तो मात्रा किसी ने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितना, सब अनुभव ही बताए कि हमें इतना लेनी चाहिए और इतना लग सकता है। जहां तक मैं ये भी पूछी कि कितने गोल जो होते हैं वो कितनी बार हम लगाएं और कितने बार उसको घिसा जाए, तो ये भी उनका कहना है कि उस वो भी अंदाज उन वाटेकर जी से मैं पूछी तो कहें खाना आप कितना खाते हैं, तो खाना जितना आप पचा सकते हैं उतना खाते हैं, उसी तरह जो सुर में तबला अगर बोल जाए बस उतना उसको चाहिए गोली, उसका कोई परफेक्ट कोई मापदंड नहीं है। हाँ मेजरमेंट ये कह सकते हैं कि लॉ की इतनी होगी, चाट की इतनी होगी और स्याही का पोर्शन इतना होगा, ये मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन स्याही कितनी एग्जैक्ट कितनी लगेगी ये मेजरमेंट नहीं हो सकता है। हाँ भावनगर की स्याही सबसे अच्छी है, उसका कारण सिलिका, ये सीवी रमन जी ने भी बताई है कि उसका कारण जो है सिलिका की मात्रा सबसे अधिक रहती है, इसलिए भावनगर की स्याही को अच्छा बताया गया। और सर मैडम दूसरा क्वेश्चन कि अगर स्याही से ही सुर होता है बराबर, स्याही से ही स्याही लगाने से ही सुर निकलता है तबले में से, ठीक है, तो उसके मुंह का इतना क्यों महत्व है कि पौने छः का अगर कालियक का तबला है तो वो ज्यादा अच्छा बोलता है या साढ़े पांच का है तो वो ज्यादा अच्छा बोलता है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कहते हैं, अगर छः का रहेगा तो वो अच्छा नहीं बोलेगा, ये बताइए। नहीं यानी हम जब बनाने के लिए जाते हैं तब हाँ। ऐसा कहा जाता है कि कालिया हाँ। का अगर तबला लेना है तो साढ़े पांच के पौने छह के बीच का मूल रखिए, वो रखिए तो वो ज्यादा अच्छा बोलेगा, ऐसा वो कहते हैं? ज्यादा अच्छा नहीं बोलेगा, अगर उसका मुख रहेगा उतना तभी वो साढ़े पांच में बोल सकता है, अगर बड़ा बड़ा मुख का अगर तबला करेंगे तो वो आपका ऊंची तार था वो ऊंचा सुर में नहीं बोलेगा बड़े मुख का तबला। ऐसा नहीं मैडम, हाँ उन्होंने ऐसा कहा जाता है, अगर मेरे पास सपोज सवा पांच का तबला है तो अगर हम तबले वाले के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ये तबला मुझे आप काली एक में बना के दीजिए, तो वो ऐसा कहते हैं कि ये काली एक में नहीं अच्छा बोलेगा, ये साढ़े पांच या पौने छह के अगर मुंह का तबला है तो वो ज्यादा अच्छा बोलेगा, ऐसा कहा जाता है। तो इसका अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन है कि अगर शाही से ही सुर है नहीं, अगर अभी तो मैं लास्ट में यही बोली कि हाँ? सिर्फ स्याही से हम ये चाह लें कि अच्छा होगा ऐसी बात नहीं है, हमें लकड़ी की क्वालिटी भी देखनी है, चमड़े की क्वालिटी भी देखनी है, अब चमड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उस पर हम स्याही अगर बहुत अच्छी तरह से भी लेपन करेंगे तब भी वो आवाज नहीं करेगा। नहीं मैडम, हाँ बताइए, मैं ऐसा बता रहा हूँ
कि सब कुछ अच्छा है, लकड़ा भी अच्छा है, चमड़ा भी अच्छा है जी, जी। तो फिर मुंह का इतना क्यों महत्व है? ऐसा मैं बता रहा हूँ कि 5.5-6 के मुंह का अगर तबला है तो वो काली एक में बोलेगा अच्छा, ऐसा ऐसा कहा जाता है। नहीं भी अगर दूसरा कोई तबला और अच्छा बनाने वाला है तो वो 5.25 के मुंह पे भी काली एक का तबला अच्छा बना के दे सकता है, वो फिर कला यानी जो बनाने वाला है उस पर डिपेंड रहता है। हाँ। लेकिन तो ये ऐसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसीलिए मैं जस्ट एक पूछा। अगर बड़ा है तो फिर तो वो नीचे की सुर में बोलेगा, ये तो मैं मध्य सत्य की बात कर रहा हूँ। बड़ा है तो नीचे के स्वर में बोलेगा। हाँ। और अगर उसका मुख छोटा है तो वो ऊपर के सुर में बोलेगा। हाँ, वो तो है। हाँ। लेकिन काली आपका क्या क्वेश्चन था? काली एक के लिए, काली एक का तबला बनाने के लिए जी। क्यों 5.5-6 लंबाई का ही माप मुंह वाला तबला बनाया जाता है, एक क्यों है, एक क्यों है, ऐसा ऐसा कुछ है कि नहीं? यानी शाही लेपन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ तबला, बराबर है। तो फिर अगर मैं 5.25-5 के मुंह का तबला लेके जाता हूँ तबला, और मुझे उस टाइम ऐसा है कि मुझे ये काली एक में चाहिए जी, तो मैं उसको अगर कहता हूँ कि ये काली एक में चाहिए तो वो ऐसा कहता है कि नहीं इसमें काली एक नहीं अच्छा, बन तो जाएगा लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी। नहीं तो मैडम इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन उसका मुख ही है, उस तबले का वो मुख ही है, उसका रीजन वही स्याही का यहाँ नहीं बात आएगी। उस तबले के जैसे आपने बताया कि 5.5 का एक उसमें हम पहला काला या दूसरा काला जितना अच्छा बोल पाएगा वो 5 में नहीं बोलेगा। नहीं लेकिन हाँ मैडम बराबर है, वो तो बराबर ही है। लेकिन अगर अब सुर में तबला मिलाना है, चमड़ा तो है, चमड़ा लगा दिया, फिर हम जैसे जैसे शाही लगाते जाएंगे वैसे वैसे वो सुर में आता जाएगा, सुर में चेंज आता जाएगा जी। अगर कम लगाते जाएंगे तो वो ऊपर की सुर में बोलेगा, ज्यादा लगाएंगे तो वो नीचे की सुर में बोलेगा। गूंज उतना नहीं आ पाएगा, गूंज उतनी नहीं आ पाएगी जो आपका गूंज चाहिए। बंद तो जाएगी 5.5 में, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो छोटे मुंह के तबले रहेंगे वो ज्यादा मतलब आपके 5.5-5.75 में जाएंगे। अब मैडम एक दूसरा क्वेश्चन था कि आपने शाही में जो जो इंग्रेडिएंट्स है जी, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है और जो भी है, तो उस वो अभी ऐसा बताया कि भावनगर की शाही सबसे अच्छी है, यानी अभी ऐसा माना जाता है, तो उसमें मैडम इंग्रेडिएंट्स चेंज करके अगर हमको अगर कुछ करना है तो हम उसमें कर सकते हैं? यानी हाँ, यानी इंग्रेडिएंट्स जो भी है शाही में जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो हम पत्थर लाते हैं उसको उसका भूखा करते हैं, वो जो इंग्रेडिएंट्स अंदर है वो तो है ही, लेकिन उस इंग्रेडिएंट को ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में करके उसका कुछ ऐसा अलग अलग कैसे उसे करेंगे? वो तो एक परीक्षण किया गया ना कि उसमें किस किस चीजों की मात्रा, आप तो बोल रहे हैं कि जैसे कि उसमें किसी चीज की मात्रा को ज्यादा कर दें या किसी चीज की मात्रा को कम कर दें। हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा करेंगे। हाँ नहीं, अभी आपका ही क्वेश्चन, जैसे कलकत्ता में बनारस की स्याही और कलकत्ता दोनों को मिला करके वो लोग स्याही लेपन करते हैं। ओके ओके ओके। आप देखेंगे कि कलकत्ता की जो स्याही वो पतली रहती है जनरली, मैं देखी हूँ, बनारस की थोड़ी सी उभरी हुई रहती है। अब वहाँ की मैडम आप पड़ी की चमड़े आना, जो चमड़ा होता है कलकत्ता का वो भी पतला रहता है। हाँ वो भी पतला, तो इसका कारण क्या एटमोस्फेयर है। उस पर चमड़े पर भी मैं काम की हूँ, तो चमड़े का कारण वहां पतला होना, यहाँ मोटा होना या दूसरे जगह और होना, तो ये सारे चीज वातावरण के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहां का तापमान कितना है, तापमान के आधार पर ही चमड़े को दिखाया जाता है। यानी मैंने पूछा मैडम, मैंने आपकी बुक पढ़ी तो आपने ये सब उसमें लिखा हुआ है, करेक्ट जी? तब मुझे ये मेरे को विचार आया और मैंने हमारे यहाँ जो तबला बनाते उनके पास भी मैंने जाके उसको बोला। ये बहुत बहुत अच्छी आपकी सोच है, ये बहुत अच्छी आपकी विचार है, और मैं चाहूंगी कि आप वैसा करके देखें कि उससे क्या रिएक्शन होते हैं। एग्जैक्टली, यानी हाँ कि अगर चमड़ा सपोज ज्यादा जाड़ा है, अब आया कोई ऐसा चमड़ा आया कि वो ज्यादा जाड़ा है, कितना भी घिसने के बाद, कितना भी उस पे प्रोसेस करने के बाद वो ज्यादा जाड़ा है। नहीं, वो चमड़ा लगाने के भी एक रेंज है, वो गेज है,
चमड़ा चमड़ा कितनी पतले वीज पे लगाना चाहिए तबले पे, उसकी भी एक माप है, वो भी मैं मेजरमेंट की हूँ। उस गेज के चमड़े ही अच्छे सुर को उत्पन्न करेंगे। वो कभी नेक्स्ट लेक्चर में सर के साथ, और सर से तो बहुत कुछ अभी जब तक जीवन है तब तक सीखना ही है, और उन्होंने बहुत मेरी मदद की है, तो आगे भी अगर मतलब सर का बहुत योगदान रहा है और आगे भी मैं चाहूंगी कि सर मुझे मार्गदर्शन करते रहें और मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूं। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। वो अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार जी लुधियाना से हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनका कोई एक प्रश्न है। अनिल जी जी नमस्कार मैम। नमस्कार गौरांग जी, नमस्कार केदार जी, नमस्कार। मैम मेरा प्रश्न ऐसे है कि जब हमने लेट 80s में मैंने तबला बजाना शुरू किया, तो उन दिनों में ज्यादा रेडीमेड पुड़ाई मिलते थे, कारीगर इतने नहीं थे, लेकिन उसमें एक बड़ी खास बात थी कि 5.5 या 6.25 के जो पुड़े होते थे, जो पुड़ी बनाते थे, तो उसमें वो काली 4 से लेकर पहले काले तक, यहां तक कई बार की पहले काले से आधा सुर ऊपर तक भी एक जैसा बोलता था, यानी कि 3-4 सुर का उसमें कुशन था और बढ़िया बोलता था। तो तब हमें कई बातें समझ नहीं, कम छोटे थे तो हमारे गुरुजी बताया करते थे कि वो जब अपने गुरुजी के साथ परफॉर्मेंसेस उनके साथ जाया करते थे, तो एक ही तबला या ज्यादा से ज्यादा 2 तबले लेके जाते थे, चट्टू अक्खल जिसको बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि जो पुड़ी बनती है, अगर आप किसी कारीगर के पास जाइए तो वो यही कहेगा कि ये तबला स्पेसिफिकली पहले कांच का बनेगा जी। तो वो जो पुराने लोग बनाते थे पुड़ी, उसमें जो 3-4 सुर का कुशन था, वो अब कहाँ गया? वो उसके 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 बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो why that is missing nowadays। जैसे सर आज अगर हम देखते हैं कि हर एक चीजों में मिलावट वाली बात है ना, तो पहले वाले चीज तो अब नहीं रहे। पहले के जितने भी कारीगर थे जो कि अब उस लेवल से नहीं बना रहे, अभी भी मैं कहूँ, अभी भी मैं चाहूंगी तो बन सकते हैं वैसे तबले, लेकिन वो जो साउंड प्रोडक्शन जो होते हैं अभी, जैसा जैसे मैंने बताई कि 5.5 और 5.25 जो हैं वो काली 1 के लिए ही उपयुक्त हैं। आप कह रहे हैं वो सही है कि जो बड़े मुंह के तबले हैं वो भी काली 1 में जा सकते हैं, लेकिन जिस क्वालिटी के आज छोटे नहीं मैडम, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 5.5 का या 5.25 के बीच का जो अक्खल था, उस पे एक पुड़ी लगती थी जो काली 4 पे भी अच्छी मिलती थी एक ही साउंड से, और उसी आंस के साथ काली 1 पे भी लग जाती थी। इस तरह का हमने तबले नहीं, वो कैसे लग जाएगी मैडम? देखिए वो उसको कहने का मतलब उसकी एक बद्दी उतार के चढ़ा के, वो जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे कि इस पुड़े को रचाइए, 2-3 महीने इसको बजाइए, नीचे बजाइए, और रच जाती थी पुड़ी, वो इस तरह से बनती थी। जैसे उसके आपने बताया कि जो पुड़ी आप खरीदते थे वो नीचे सुर के भी उसमें भी फिट बैठते थे और ऊपर के तबले में भी फिट बैठते थे। हाँ, दो कम से कम 2-2.5 सुर का उसमें कुशन होता था, मेरा कहने का ये मतलब जी। तो लेकिन कैसे बैठेंगे वो बद्धी के अनुसार, फिर उसको उतारेंगे तो फिर उसे छोटा कैसे करेंगे, ये बताइए। मैं वही कह रहा हूँ मैडम कि जब आप एक बद्दी 4 बद्दी है, 2 बद्दी के बाद तीसरी बद्दी चढ़ाएंगे तो आधा सुर चढ़ जाएगा, थोड़ा सा उसको घट्टों को ठोक। हमने ऐसे पुड़े बजाए हैं अपने गुरुजी के, हमने उन्होंने हमें ऐसे पुड़े बनवा के दिए थे, हम बजाते रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, आजकल वैसा नहीं है। आजकल आधा सुर, यानी कि अगर एक पुड़ा आपने सी शार्प का बनाया, वो डी पे जाते जाते उसका साउंड बंद हो जाता है। इसके लिए तो यही कहेंगे कि अब वैसे मेकर्स जो बनाते थे पहले वाले, अब वैसे अनुभव ही नहीं है। और दूसरा एक स्याही का आजकल ये बड़ा है कि जो हम पूछते हैं लोगों से जो बनाने वाले हैं, मैदान और जो किनार है वो 1 सुर पे नहीं बोलती है, इसमें स्याही का कोई रोल होता है लगाने का? स्याही का रोल वो तो अनुभव से ही लगाते हैं,
अच्छा मैदान और सुर का जो होना चाहिए वो तो जी अनुभव से ही वो लोग लगाते हैं, वो अनुभव से लगता है। लेकिन कितने लोग तो आप जैसा बता रहे हैं ऐसा नहीं है, कितने लोग दोनों चार्ट लॉ का रहता है बैलेंस में, वो लोग बनाते हैं बैलेंस में ही बनाते हैं चार्ट लॉ का। राइट राइट ठीक है मैम, थैंक यू मैम। देवेश 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 जी, आपका कोई प्रश्न है करिए जी। मैम प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैम आवाज आ रही है मैम? जी जी बिल्कुल। मैम मेरे छोटे छोटे दो सवाल थे मैम, ये कि बजाते बजाते मैम कई बार दाना भूल जाता है या दाना निकल जाता है मैम, तो ऐसा कोई चीज मतलब जिससे कि फिलहाल हम घर में ही वो दाने को थोड़ा ठीक से एक बार मैम मैं फेवी क्विक लगाया तो बाकी सारे दाने भी निकल गए थे मैम, तो कुछ ऐसा बेसिक चीज अगर कि हम घर में कर सके, एक ही है मैम। और दूसरी चीज मैम स्याही पर कई बार बहुत पाउडर लग जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे साफ करो तो स्याही भी निकलने लगती है, तो कोई ऐसी चीज कि घर में थोड़ा प्राइमरी हम उसको दाना और पाउडर ये दोनों को थोड़ा कैसे कर सकते हैं। दाना निकलने के लिए तो फेविकॉल ही जनरली लोग लगाते हैं, वो इतने अंदाज से लगाइए कि मतलब और दाना ना आपका निकले जी। अभी इस स्याही लगाने के संदर्भ में भी मैं बात कर रही थी कि उस जो बेस है, बेस कितने अच्छे से मेकर्स लगाते हैं उसी पे दाना डिपेंड करता है कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, तो बेस अच्छा होना चाहिए। और जहां तक घर की बात है तो आप फेविकॉल यूज कर सकते हैं। दूसरी बात रही पाउडर की, तो पाउडर को कम यूज कीजिए और वो तबले पर यूज मत कीजिए, तब पाउडर हाथ में लगा करके उसके बाद बजाए। कितने लोगों को देखते हैं, मेरे भी कई स्टूडेंट है, तबले पे डाल देंगे पाउडर उसके बाद बजाना शुरू करेंगे, तो ये गलत है। ऐसे भी तबले की स्याही खराब होती है, थैंक यू मैम, प्रणाम मैम, धन्यवाद अनामिका जी। यानी प्रश्न तो बहुत सारे आते रहेंगे स्याही के विषय में, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि इस विषय पर काम हुआ है लेकिन मनन चिंतन नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे भी इसमें और भी आगे करना है सर, इसीलिए कई सारे प्रश्न सबके मन में उपस्थित होते हैं। लेकिन मैं एक जरूर बात बताना चाहूंगा कि अनामिका जी ने कई सारी यानी चमड़े पर भी इतना काम किया हुआ है, और सारे चमड़े को यानी जब चमड़ा ताजा होता है जब वो फैक्ट्री में आता है उससे पहले उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी मात्रा में क्या क्या है, वो भी उन्होंने टेस्ट किया है 4-5 अलग अलग प्रकार के चमड़ों में। और वो चमड़ा तबले पर लगाने से और अलग अलग मुंह पर और अलग अलग लकड़े के यानी एक नीम का लकड़ा, फिर शीशम का, फिर लकड़ी अपनी मिट्टी पर, तो इस तरह के प्रयोग हमने यानी कई सारी बातें होती रहती थी और उस विषय को लिया, और उस पर भी एक बार हम उनके उनके साथ वो लेक्चर करेंगे कि कौन सा चमड़ा, क्योंकि आज जो चमड़ा है वही क्यों सही है और क्यों कोई चमड़ा सही नहीं है, उस विषय पर भी बहुत काम किया। यानी चमड़े को पहले से लेकर यानी सूखता है, सूखने के बाद कितने इंग्रेडिएंट्स उसमें रहते हैं, वो सारी चीज भी उन्होंने यानी किया है। कई सारे चमड़े अलग अलग प्रकार के, ऊंट के, बेल के, उन सारे चमड़ों, गोट का, वो सारे चमड़ों पर उन्होंने काम किया है और बहुत लंबा काम चला था। प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी के मार्गदर्शन में सारी चीजें चली। मैं प्रवीण जी को बहुत यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी शिष्या को तैयार किया, एक ऐसी रिसर्चर को तैयार किया कि जिनके कारण आज हमें कई सारी चीजें, क्योंकि ये भी एक पक्ष है तबला बजाना, उनके साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत मायना रखती है आज। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आकाश मान जुड़े हुए हैं, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर चिराग सोलंकी जुड़े हुए हैं, गीत सुधा भट्ट, प्रोफेसर गीत सुधा भट्ट जी जुड़ी हुई है, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह जी जुड़ी हुई है, प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी के शिष्य देवदत्त पंडिकर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल सुवर्णकार जी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से, वहाँ से अनिल कुमार जी लुधियाना से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अमित कुमार वर्मा जी कलकत्ता शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सारे लोग आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं और सही में आज का लेक्चर बहुत ही
ज्ञानवर्धक रहा और एक दिशा का सूचन हमारे आने वाले शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आपने किया है इस ऑनलाइन माध्यम से। कितना हो सकता है जी, वो जी, तो हम यानी हम सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी कई हद तक अनामिका जी ने इसको, इस विषय को हमारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। मैंने तो पूरा विषय देखा हुआ है क्योंकि उतनी सारी बात यहाँ बता नहीं यानी ऑनलाइन होने के कारण वीडियो नहीं, वो आधा आधा होने के कारण कई सारी चीज हम नहीं देख पाए, लेकिन इतना अच्छा रिसर्च है कि ये रिसर्च यहाँ खत्म नहीं होता है जी, यहाँ से ये रिसर्च शुरू होता है और आगे तक जाएगा, क्योंकि अभी और नई चीजें हमारे तबले में जुड़ने वाली है और नई बातें और कई सारी चीजें, मिट्टी है, पत्थर है, और अभी इन्होंने कई सारी बातें नहीं बताई है जो हमारी डिस्कस, जिस तरह की चार प्रकार की स्याही का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, वो चारों प्रकार की स्याही उन्होंने तबले पर लगाई है और साउंड नापा है अपना, जो दा दिन ना ता जो वर्ण है वो कैसे निकलते हैं उसमें से, यानी वो चमड़ा अलग और स्याही पत्थर की, स्याही मिट्टी की, स्याही तिल की, स्याही आटे की, ये सारी चार प्रकार की स्याही अलग अलग चमड़े पर लगाकर देखी है। तो ये बड़ा विषय है, हम मैं भी उनके साथ जोड़कर कभी इस विषय को हम दोनों प्रस्तुत करेंगे कभी आपके सामने। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ लावण्य कीर्ति जी, अगर यहाँ है तो मैं उनको चाहूंगा कि अनामिका जी को आशीर्वचन दे, आशीर्वाद दे। लावण्य कीर्ति जी, जी नमस्कार, जी नमस्कार, नमस्कार। अनामिका, अनामिका हमारी छोटी बहन की तरह है, उसके साथ हमारा आशीर्वाद स्नेह हमेशा से है, और आज इतनी प्रबुद्धता से उसने अपनी बातों को रखा है, यह देखकर यह सुनकर इतनी खुशी मिल रही है, और भी बात की वह आगे भी सीखना चाह रही है, अपने काम को वहीं रोकना नहीं चाह रही, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ललक बनी हुई है कि हम आगे भी काम करेंगे और इसी तरह वो आगे बढ़े, अन्यथा वाद्यों को केवल बजाने से मतलब होता है कलाकारों को, हमें ऐसा वाद्य चाहिए, हमें ऐसा वाद्य चाहिए, ऐसा होगा कैसे, इस तरफ की संभावना कम दिखती है, तो इससे प्रेरणा लेने वाली बात है कि सभी हम प्रेरणा लें और अपने वाद्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम दीदी, थैंक यू। अमित कुमार जी, कुछ आप भी कहें इस विषय में, क्योंकि आप भी इतना अच्छा रिसर्च जी सारी चीजों में। अमित कुमार वर्मा जी, नमस्ते सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, अमित वर्मा जी आप, हाँ अभी अभी आवाज आ रही होगी, हाँ जी, बोलिए 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 अमित जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गौरांग जी को विशेष रूप से धन्यवाद इतने लंबी श्रृंखला को लगातार अनवरत बनाए रखे इसके लिए, और अनामिका जी को विशेष रूप से धन्यवाद। मुझे अच्छे से याद है कि जब आपका फाइनल सबमिशन था बीएचयू में पीएचडी अवार्ड हुई थी, तो उस बात की मिठाई मैंने भी खाई थी, ये मुझे याद है अच्छे से। और आपकी किताब जस्ट अभी हमने अपनी लाइब्रेरी में मंगाई है, बहुत अच्छी किताब है। इस बार एनईपी में जो 4 साल का सिलेबस डिजाइन हो रहा है, जो जुलाई से लागू हो रहा है, तो काफी बड़ा विस्तृत आकाश हमको मिल गया तबले की शिक्षा को विस्तार देने के लिए मेजर और माइनर में। तो हमने तबले की बनावट इसको लेकर के एक पूरा स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, वो पूरा कोर्स तबले की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस पर हमने रखा है, और उसमें रेफरेंस में आपकी किताब को विशेष रूप से, जस्ट ये कल परसों की बात है किसी को फाइनल किया हम लोगों ने, और आज आपका लेक्चर सुन रहे हैं, तो काम आपका बहुत अच्छा है। किताब मैंने देखी है, पखावा जो तबले के दोनों की स्याही और उसके उसके पूरे को बनाने की जो उसकी विधि दी है, बहुत ही मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार इतना गहराई में काम किया गया है। तो उम्मीद है कि जो अभी हमारा नया एनईपी का जो ये आ रहा है, जिसमें स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, तो उसमें तबले की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस हमने रखा है, और आपकी किताब को रेफरेंस में रखा है, तो भविष्य में हम आपका लेक्चर उसके लिए रखने का हम सोच ही रहे थे, आपके लेक्चर को सुन रहे थे और ये प्लान कर रहे थे, तो ये अच्छा हुआ कि आपके लेक्चर को सुना, और यूट्यूब में ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई है एज ए ई रिसोर्सेस, ये एक हमारे बच्चों के लिए
रिसोर्स मटेरियल भी हो गया। तो विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आपको भी, आपके रिसर्च को, प्रवीण जी को, और विशेष रूप से भावसार सर को कि उन्होंने इतना बड़ा तबले पे जो इस श्रृंखला को चला रहे हैं, अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़ करके सारी चीजों को सामने ला रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से सर को भी धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद अमित जी, लावण्य कीर्ति सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से जुड़े रहिए, और हमारे जो जो रिसर्चर हैं यहाँ आ रहे इस प्लेटफॉर्म पर, उनको आशीर्वाद देते रहे, उनको नया नई प्रेरणा देते रहे। बस इसी भावना के साथ यह प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जन्म शताब्दी महोत्सव का यही मोटो है और एम है कि हमारी परंपरा आगे बढ़े और उसको यह परंपरा को डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको सुरक्षित कर सके। यहाँ हम सब लोग जुड़े, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़ौदा में जब आई थी आप, तब हम उतना यानी टाइम नहीं होने के कारण लेक्चर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब तो आप अहमदाबाद आने ही वाली है तो बड़ौदा आपका घर बनेगा और हमें अच्छा लगेगा कि हमारी भूमि पर भी इस तरह के रिसर्च के कार्य हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रवीण जी को बहुत साधुवाद कि आपको उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया और काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। मैं सबकी आज्ञा के साथ हमारे वाइस चांसलर साहब विजय कुमार श्रीवास्तव जी, राजमाता चांसलर मैडम हमारी शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी, उन सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहे, बस यही कामना के साथ। गुरु माँ हमारे साथ हर हमेश आशीर्वाद देने के लिए रहती हैं, प्रज्ञा सक्सेना जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे डिपार्टमेंट के सारे गुरुजनों, सारे रिसर्चर, बहुत ही आज का लेक्चर बहुत ही एक एक जनजोड़ने वाला, हमें एक नई दिशा देने वाला रहा है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं सर आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलते रहेगा और मैं आपको परेशान करते रहूंगी सर, पूछूंगी जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ में सारे तबले के जितने भी रिसर्चर हैं वो हमारे हैं, कोई यूनिवर्सिटी के नहीं है, एक ही यूनिवर्सिटी के हैं वो सारे, और वो मानव यूनिवर्सिटी, तबला यूनिवर्सिटी के सारे लोग है ना। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, फिर से आपका भी धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ यहाँ। धन्यवाद।